किसी के घर में घरेलू लड़ाई होती है या फिर मोहल्ले की लड़ाई होती है ना, तेरे बाप का, तुम्हारे बाप का, तुम्हारे बाप का, भाई भाई पठान में तो लोगों ने देखा बहुत कुछ उतारा होगा, उनके अंदर एक जज्बा पैदा हुआ होगा कि हम देखेंगे, हम आर्मी में जाएंगे, हम ये करेंगे, देशभक्ति के लिए हम मर भी जाएंगे। इस मूवी को देखने के बाद में हम क्या करेंगे, तेल भी तेरे बाप का, कपड़ा भी तेरे बाप का, जलेगी भी तेरे बाप की। डायलॉग छपाई वाला डायलॉग, मैं तो मतलब मेरी जीवा क्यों निकट गई बोलने से पहले, और उस क्या बोल रहे थे, क्या होता रामायण, लोग रामायण देखने जा रहे थे कि अच्छे बिल्कुल नियत से जा रहे थे कि रामायण देख कर जाएंगे, कैसा माहौल रहेगा, लोग खुशी खुशी जा रहे थे, लेकिन आए गए खुशी खुशी, आए दुखी दुखी, घर से चले थे खुशी खुशी, रामायण तेरे दर्शन पाएंगे, किसी को क्या पता था हम निराश होके आएंगे। हम मतलब मूवी हम भी देखना चाहते कि हम भी देखेंगे, पहला हिस्सा देखेंगे, लेकिन भाई ट्विटर पर जितना ट्रोल देख लिया ना, हमने कहा महाराज मूवी नहीं देखेंगे, आदि पुरुष आप नहीं देखेंगे, नहीं देखेंगे और नहीं देखेंगे, ट्रोल इतना देख लिया हमारा ट्विटर पे कि दिमाग उमाग का कचड़ा बना दिया हमने। आग भी तेरे बाप की या जलेगी भी तेरे बाप की, इस तरह का सड़क छाप भाषा ये आदि पुरुष में भगवानों के लिए इस्तेमाल किया गया है, इन्हीं बातों को लेकर थूथू हो रही है हर जगह, और इस तरीके का लगता है कि ये राइटर लोग नशे में ये राइटिंग नशे में स्टोरी लिखते हैं, सस्ता नशा करके रख लिखते हैं, क्योंकि भगवानों का अपमान हो रहा है, इस तरह हिंदुओं की भावनाएं आहत में हो रही है। अब कहाँ है वो बजरंग दल वाले, कहाँ है वो हिंदू सेना, ये बताइए। देखिए भारतीय जनता पार्टी को अब समझने और जानने की ज़रूरत है कि राम का अपमान होने लगा, अपने आप को राम के हितैषी कहते हैं भारतीय जनता पार्टी, मनोज मुनेश्वर जो शुक्ला जी हैं वो भारतीय जनता पार्टी के परम भक्त हैं और परम चाटुकार कह सकते हैं उनको, और उन्होंने ही लिखा है ये, हैं क्या उन पे एक कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, होनी चाहिए। भगवान राम के जो परम भक्त हैं हनुमान जी, आपको लगता है कि ऐसी भाषा का प्रयोग रामचरितमानस में किए हैं कभी, सड़क छाप भाषा का यूज किया गया है, सड़क छाप में नहीं, मैं कह रहा हूँ कि दलाल लोग हैं जिन्होंने लिखा है, ऐसे लोगों को राम का अपमान करने वाले लोगों को सजा तो भाई साहब मिलनी चाहिए। और वो लोग कहाँ गए जो कल तक हिंदू हृदय सम्राट लिखा करते थे, हैं अपने आप को सरकारी हिंदू कहे जाने वाले लोग, जो मतलब पठान और मुसलमानों का विरोध करने वाले लोग, आज जब हमारे राम का विरोध हो रहा है तो वो लोग कहाँ चले गए, कहाँ सोए हैं वो लोग, भाई राम का अपमान हुआ है तो अनुराग नहीं सहे। भगवानों के लिए बताइए, बजरंग बली जो है हनुमान जी के लिए, तेरे बाप का, इस तरह के डायलॉग डिलीवरी हो रही है। वही तो, एक अब आपने अक्षय कुमार ने कहा था ना जली ना, जली ना बताइए, अब उसमें मेघनाथ को ऐसा लगता है अक्षय कुमार की मीम, इसे मीम, मीम, मीम बनाई जा रही है। उसमें देखा होगा आपने कि मतलब जो विभीषण बना हुआ है रावण का बेटा है वो कहता है कि जली ना, ऐसा भाई उन्होंने कुछ बोला ही नहीं। रामचरितमानस को आप पढ़िए, अभी कोरोना टाइम में दिखाया भी जा रहा था रामचरितमानस, अभी बनाने वाले लोग भाई कोई भी हो, किसी भी धर्म किसी भी मजहब से हो, मैं किसी धर्म और मजहब का तो विरोधी नहीं हूँ, लेकिन भाई जो, लेकिन आप तो एक ब्राह्मण है और सनातनी है और टीका भी लगा रखा आपने, आपको इस मूवी के डायलॉग से क्या कैसा लगा? भाई मुझे पूर्ण रूप से नफरत है, मैं तो भारतीय जनता पार्टी की, और कोर्ट से अगर मुझे सुन ले तो मैं तो कहना चाहता हूँ इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि आने वाले समय पे किसी भी धर्म और मजहब पे ऐसी वीडियो या फिल्में ना बने। अभी आपने केरला स्टोरी पे देखा होगा कि मुसलमानों को टारगेट करने के लिए ऐसी मूवी बनाई जा रही है, अब हिंदुओं को टारगेट करने के लिए ऐसी मूवी, मतलब वही एक धर्म को और विशेष लोगों को टारगेट करने के लिए अब मूवियाँ बनाई जा रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग जो हैं वही लिखते हैं। लेकिन इसमें आदि पुरुष में कौन सा मुसलमानों का किरदार था इसमें? ये तो रामायण, ऐसे लोग रामायण देखने जा रहे थे लेकिन छोटा भीम देख कर आ रहे हैं, ये बताइए इस तरह का भगवानों का अपमान कैसे सहेगा हिंदुस्तान? भारतीय जनता पार्टी शुरू से भगवान का अपमान करती आई है, अगर वो भगवान का अपमान नहीं कर रही होती तो आज ही उसको बैन लग जाना चाहिए। हैं बैन लगना चाहिए नहीं लगना चाहिए? भाई भगवान को उसमें दाढ़ी बना दिया, मैं दाढ़ी और मूंछों का तो भाई विरोध नहीं करता हूँ, कुछ लोग कहेंगे दाढ़ी पे बात कर रहे हूँ, दाढ़ी के विरोध में नहीं है, आप रखिए, लेकिन फिल्मों को मतलब फिल्मों को फिल्मिक रूप से ही देखना चाहिए, लेकिन धार्मिक रूप से भाई फिल्मों पर उत्पाद नहीं मचाना चाहिए। राइटर को क्या सुझा कि आदि पुरुष, राइटर उसको पूछिए उससे जो उसका डायलॉग दिया है, तेरी भी कपड़ा भी तेरे बाप का, जलेगी भी तेरे बाप की, डायलॉग एक चीज पत्रकार महोदय, हम लोग मतलब आपस में बात भी करते हैं ना घर पे या गाँव में किसी से झगड़ा भी, तब भी तेरे बाप की तेरी माँ की नहीं करते हैं, और यहाँ पे एक फिल्म दिखा रहे हैं जो लोगों को फिल्म होती है कि लोगों के मनोरंजन के लिए बनाई गई है, हैं उस पे आप फिल्म का बहिष्कार आखिर क्यों नहीं हो रहा, क्यों लोग सड़कों पे नहीं उतर रहे ये बताइए, क्योंकि इस तरीके से इससे पहले भी फिल्में आई है, लोग लगातार विरोध किए, पठान मूवी को देख लीजिए, हालांकि शाहरुख खान का उसमें किरदार जो है एक आर्मी का, एक देशभक्त का दिखाया गया था, उसके बावजूद भी बड़े लेवल में उसका विरोध हुआ था। पत्रकार महोदय बड़े शर्म की बात है, जैसा आपने बताया कि वो लोग कहाँ हैं जो पठान का विरोध किया करते थे, ये सही बात है आपका, उनको सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों का ही विरोध दिखता है। भारतीय जनता पार्टी के लिए बनाई गई है ना मूवी, भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों ने लिखा है ना, उस समय ये बहुत विरोध करते थे लेकिन आज विरोध नहीं कर रहे हैं, और ये इस मूवी का तो भाई प्रचंड रूप से विरोध होना चाहिए। इस मूवी में मुसलमानों का कोई किरदार भी नहीं है, लेकिन रामायण नहीं, रामायण लोग रामायण देखने जा रहे थे कि अच्छे बिल्कुल नियत से जा रहे थे कि रामायण देख कर जाएंगे, कैसा माहौल रहेगा, लोग खुशी खुशी जा रहे थे, लेकिन आए गए खुशी खुशी, आए दुखी दुखी, घर से चले थे खुशी खुशी, रामायण तेरे दर्शन पाएंगे, किसी को क्या पता था हम निराश होके आएंगे।
हम मतलब मूवी हम भी देखना चाहते कि हम भी देखेंगे, पहला इशो देखेंगे, लेकिन भाई ट्विटर पे जितना ट्रोल देख लिया ना, हमने कहा महाराज मूवी नहीं देखेंगे, आदि पुरुष आप नहीं देखेंगे, नहीं देखेंगे और ना ही देखेंगे, ट्रोल इतना देख लिया महाराज ट्विटर पे कि दिमाग उमाग का कचड़ा बना दिया उन्होंने। और जो लोग देखने जा रहे हैं उन लोगों के लिए, उन लोगों को भाई मैं तो बता रहा हूँ कि आज से अपने मतलब घर पे मतलब अपनी कुर्सी की बेटी बांध लो, क्योंकि ये लोग मौसम बिगाड़ने के लिए आए हैं, ये लोग फिल्म के माध्यम से हिंदुओं को बदनाम करने के लिए आए हैं। ऐसी मूवियों का विरोध कीजिए और ऐसी मूवी को देखने के लिए मत जाइए, क्योंकि जिसमें राम का अपमान हो, अल्लाह का अपमान हो, वाहेगुरु का अपमान हो या और भी किसी धर्म और मजहब का अपमान हो, ऐसी लेकिन अनुराग गुजा एक बार बताइए कि इसमें राइटर भी हिंदू, अरे डायरेक्टर भी हिंदू, सारे हिंदू, फिर उसके भगवानों का इतना बड़ा, भगवानों का जो रोल दिया गया है उसमें डायलॉग ऐसा लग रहा है छपरियों वाला डायलॉग, बिल्कुल क्या करूं, तो यार माँ बहन की गाली मान लो दे रहे हैं, बताइए भगवानों के लिए इतना, भगवानों के लिए इतना बड़ा अपमान और भगवान का अपमान करने वाले को बिल्कुल इसमें जवाब नहीं, नहीं 24 का तो वो तो मैटर वो आप कह लेकिन लेकिन एक चीज बताइए, क्या भारत के प्रधानमंत्री उसके लिए बोल सकते हैं, और इनके जो समर्थक थे, इनके जो सांसद थे, इनकी सांसद साहिबा जो थी, वो लोग तो पठान का प्रचंड रूप से विरोध कर रही थी, और कुछ लोग जो बाबा लोग थे, भाई मैं अयोध्या के बाबा बाबा से क्षमा चाहता हूँ, फिर बोलता हूँ मैं, कि वो लोग कहते थे शाहरुख खान को जिंदा जला देंगे, हमारे लोग ढूंढ रहे हैं कहाँ है वो बाबा, कहाँ है वो बाबा, कहाँ लुप्त हो गए, क्या उन्होंने जल समाधि ले ली, जो बाबा कहते थे भगवान जिस दिन वो मिल गया जिंदा जला दूंगा। अब आप एक चीज बताइए पत्रकार महोदय, जिसने वो डायलॉग लिखा है, क्या बाबा उनको जिंदा जलाएंगे? अरे आप राम के ही सेवक हो ना, राम के सेवक हो, राम को मानने वाले हो, अध्याय पूरी हमारी राम को मानती है, पूरी दुनिया राम को मानती है। रावण का ऐसे दिखाया गया ढांचा जैसे कि मॉडलर रावण हो, ये इधर से चारों तरफ से बाल ट्रिम, बाल खड़े खड़े, वो आज हनी सिंह की तरह दिखाया, बिल्कुल बताइए, वो ये अपमान है, ये अपमान है, ये रावण का भी अपमान है और राम का भी अपमान है, और हनुमान का अपमान तो हुआ ही है। ऐसे मतलब फिल्म बनाने वालों को देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए और इस मूवी को बैन लगना चाहिए। बताइए कपड़ा भी तेरे बाप का, तेल भी तेरे बाप का, और उसके बाद आग भी तेरे बाप की, जलेगी भी तेरे बाप की, इस तरह का डायलॉग भगवानों के लिए शर्म आनी चाहिए, लिखने वालों को भी। और मैं तो कहूँगा मूवी हो इंटरटेन के लिए बनाया जाता है, ना ही क्या किसी का अपमान, वो भी भगवान श्री राम जिस मूवी में हो, भगवान हनुमान जिस मूवी में हो, और उसके बाद जो है रावण, रावण तो रावण के लिए भी जो है बहुत रोल जो है बहुत अजीब सा दिखाया गया। देखिए पत्रकार महोदय, मुझे मूवी से दिक्कत नहीं है, मुझे राम का और हनुमान का और इन लोगों का अपमान किया गया, इससे दिक्कत मूवी से किसी आपत्ति, मूवी के अंदर जो डायलॉग होता है, जो स्टोरी होती है, भाई मूवी होती है कि एंटरटेनमेंट के लिए, कि लोग सुनेंगे अच्छा लगेगा, लोग अपने जीवन में उतारेंगे कुछ बातें जो उन्हें अच्छी लगेंगी। भाई में तो लोगों ने देखा बहुत कुछ उतारा होगा, उनके अंदर एक जज्बा पैदा हुआ होगा कि हम देखेंगे, हम आर्मी में जाएंगे, हम ये करेंगे, देशभक्ति के लिए हम मर भी जाएंगे। इस मूवी को देखने के बाद में हम क्या करेंगे, कि तेल भी तेरे बाप का, कपड़ा भी तेरे बाप का, जलेगी भी तेरे बाप की, डायलॉग छपरी वाला डायलॉग, मैं तो मतलब मेरी जिह्वा क्यों निकट गई बोलने से पहले, और उस क्या बोल रहा है, होता किसी के घर में घरेलू लड़ाई होती है, अभी मोहल्ले की लड़ाई होती है ना, तेरे बाप का, तुम्हारे बाप का, तेरे बाप का, तुम्हारे बाप का, ऐसे वही ऐसी मूवी बनाने वालों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिल्मों में मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करता हूं कि मनोज मुनिसर शुक्ला जी जो हैं, जो आपके परम भक्त हैं, परम चाटुकार हैं, अगर उन पे आपने कार्रवाई नहीं की ना, तो हम जान जाएंगे इसमें आपका भी हाथ है। चलिए बहुत शुक्रिया, मेरे साथ अनुराग ओझा जो आदि पुरुष मूवी पर अपनी राय रख रहे थे, जिस तरह से भावना आहत हुई है, अनुराग ओझा ने बिल्कुल दर्द दिल से अपने अल्फाजों को बयान किया कि भगवानों का जिस तरह अपमान हुआ है, वो अपमान अनुराग ओझा ऐसे जो सच्चे हिंदू हैं, वो जो जिसे भगवान राम और भगवान हनुमान के लिए प्यार मोहब्बत है, वो बिल्कुल ऐसी मूवी का बायकॉट करेंगे, और ऐसी मूवी का बायकॉट होना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके का अपमान दिखाया गया, छपरियों वाला भाषा यूज़ किया, तेरे बाप का इस तरह का, और आदि पुरुष है ये रामायण है। दर्शकों वीडियो कैसी लगी मैं कमेंट करके बताएं, बहुत बहुत शुक्रिया, जय हिंद जय भारत।